Happy Hump Day. सबसे पहले मैं आप मीडिया भाई बंधु को नमस्कार करता हूं और आज डॉक्टर्स डे के दिवस पे मैं बताना चाहूंगा कि हम भगवान नहीं हैं। कर्म के आधार पे आप लोग मुझे भगवान मानते हैं। अगर रियली में भगवान होते तो मेरे दरवाजे से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता जो लौट के जाता, एक भी बंदा नहीं जाता लौट के। बट कर्म के आधार पर आप भगवान मानते हैं और उसी में मुझे फल मिलता है। 100% तो देने का कोशिश करता हूँ बट एक दो पॉइंट से छूट जाता है, 99.98 पॉइंट इतना ही दे पाता हूँ। तो इसी के आधार पे आप मुझे भगवान या दुनिया भगवान मानती है और मुझे खुशी होती है कि वो दर्जा मिला है मुझे जो भगवान के बाद का रूप। आज डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किए हैं, आप लोग कैसा लग रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज डॉक्टर्स दिवस मनाने पे जो हमारे कुछ डॉक्टर्स थे, हमारे कलिंग थे, मेरे जूनियर थे, तो आज बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि ये लोग 365 दिन वर्क करते हैं, कोई होली दिवाली नहीं। अगर मनाएंगे तो अल्टरनेट लेंगे इस तरह से करके, ऐसा नहीं होता है कि हम लोग के लिए चलो इतना दिन छुट्टी हो गया, नहीं छुट्टी नहीं हुआ। रात के 12 बजे, रात के 13 बजे कॉल आएंगे और पेशेंट को देखने जाएंगे ही जाएंगे, यही डॉक्टर का पहला कर्तव्य है। मैं डॉक्टर प्रियरंजन किशोर सिंह, प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल जो न्यूरो स्पाइन कंकड़बाग में स्थित है और सहारा संध्या हॉस्पिटल मीठापुर बस स्टैंड के पास में है, मैं दोनों के डायरेक्टर होने के नाते आज डॉक्टर दिवस पर बताना चाहूँगा कि आप कभी भी कोई भी बंधु अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप हमारे हॉस्पिटल आएँ। मैं आप लोगों को, आप लोग के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलूँगा और हमेशा आप लोग के लिए खड़ा रहूँगा। सर, आज डॉक्टर्स डे है और आप जिस तरीके से आज प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल में आज आप लोग केक काट कर और खुशियाँ मनाए सारे स्टाफ के बीच, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले मैं आपके प्रतिभा न्यूज को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ क्योंकि आपका एक ऐसा चैनल है जो हम लोगों को याद है अभी भी, जो हम लोगों ने 30 दिन धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में दिया था और आप अपना एक्टिविटी हम लोगों को दिखाए थे और हमारी बातों को आपने सरकार तक पहुँचाया था। तो सबसे पहले आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज डॉक्टर डे है, तो मैं डॉक्टर एस के ठाकुर, बिहार ग्रामीण चिकित्सक संयुक्त मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, मैं सबसे पहले हमारे जो 3800 जिला के जो हमारे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक हैं, बंधु हैं, मैं उनको हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग एक रीढ़ है स्वास्थ्य के प्रति, एक रीढ़ है क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ सारे हमारे जो भी मीडिया बंधु भाई हैं सबको याद है कि कोरोना काल में क्या स्थिति थी और वही हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई जो गाँवों में हमारे जो कोरोना काल से जो ग्रसित लोग थे उनको किसी तरह से रोकथाम करते हुए, उनको इलाज करते हुए उन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। इसलिए सबसे पहले मैं सारे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर प्रियरंजन किशोर सिंह सर का एक बहुत बड़ा ही एक ग्रामीण चिकित्सकों के प्रति बहुत बड़ा रुझान है और ये शुरू से लेकर अंतिम तक अभी हमारे ग्रामीण चिकित्सक के बातों को अच्छी तरह से गौर से सुनते हैं और आज यही कारण है कि आज हम लोगों ने डॉक्टर डे मनाया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो अगले वर्ष जो डॉक्टर डे मनाया जाएगा उसमें हमारे बिहार के 3800 जिला के जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उसमें भाग लेंगे और कम से कम इस आप प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल में कम से कम 200 की संख्या में हमने ग्रामीण चिकित्सकों को हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं एक सभी ग्रामीण चिकित्सकों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप डॉक्टर प्रियरंजन किशोर जी का हाथ को मजबूत करें और हम लोग आपकी बातों को जल्द से जल्द हम लोग अभी
दिशा निर्देश के माध्यम से बात सर से मेरी हुई है। हम लोग जल्द ही मंगल पांडे जी से मिलने का काम करेंगे और उनके कार्य को हम लोग अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको यही हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आज आप लोगों ने जिस तरह से ग्रामीणों के बीच में रहकर स्वास्थ्य के प्रति आप लोग काम करते हैं, उस तरह से हमारे ग्रामीणों को आप जो निःशुल्क, जब जिनके पास, गरीबों के पास पैसा नहीं रहता, आप जो इलाज करते हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग उसी तरह से लोगों को इलाज करें। और इस सही में जो डॉक्टर डे जो मनाया जाता है, उसका कम से कम आप इस नींव को मजबूत करने का काम करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।